अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। PSL की दो नई अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। इंतहाई शानदार होने वाली है वीडियो, क्योंकि AB डिविलियर के हवाले से बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि AB डिविलियर रिप्लेसमेंट होने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। वो आप लोगों को मुकम्मल तफसील इसी वीडियो में फ्रेंड मिलेगी। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और हसन अली ने टीम में खेलने से इनकार कर दिया है। कौन सी टीम में खेलने से इन्होंने इनकार किया है, मुकम्मल तफसील आप लोगों को मिलेगी। और आप ये सर्च भी कर सकते हैं बकायदा जाके, 100% कन्फर्म न्यूज़ फ्रेंड आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है वीडियो। यहां पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हसन अली के फ़ैन हैं या AB डिविलियर के, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी अपने फेवरेट प्लेयर का नाम टाइप करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और इसके अलावा अगर आप दुनिया क्रिकेट का कोई भी मैच लाइव देखना चाहते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप पर, तो आपकी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट शो हो रहा है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक क्लिक करके आप छोटी सी ऐप को डाउनलोड करके दुनिया क्रिकेट का कोई भी मैच लाइव देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि हसन अली क्यों नहीं खेल रहे। जी हाँ दोस्तों, हसन अली ने T10 क्रिकेट लीग कलंदर्स को इनकार कर दिया है। कलंदर्स की टीम में वो शामिल थे T10 में, उन्होंने वाजे इनकार कर दिया कि वो टीम में नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह उन्होंने इस वजह से T10 क्रिकेट लीग छोड़ दी है इस साल। दूसरी बड़ी खबर की तरफ फ्रेंड चलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं वो ये हैं कि डेविड मिलर की जगह प्लेस होने वाले हैं, AB डिविलियर टीम में शामिल होने वाले हैं पिशावर जलमी में। ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन ये सरासर फेक न्यूज़ हैं फ्रेंड, क्योंकि रिप्लेसमेंट में वही खिलाड़ी शामिल होता है जो कि ड्राफ्टिंग में शामिल हो। AB डिविलियर ड्राफ्टिंग में ही शामिल नहीं है, तो इस तरह किसी सूरत वो टीम में नहीं आ सकते। ये सब की सब फेक न्यूज़ हैं। आप कॉमेंट बॉक्स में बताएं आप उन्हें देखना चाहते हैं या नहीं।